नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। आज आईपीएल की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। फैन बेस के हिसाब से भी ये दोनों टीमें मजबूत हैं, वहीं खिलाड़ियों के हिसाब से भी देखें तो ये दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। दोनों टीमें हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बेंगलुरु के आरसीबी के होम ग्राउंड में। मुंबई इंडियंस का और आरसीबी का ये दूसरा मुकाबला है। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं। आरसीबी की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर में जाकर हराया था। अब यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी टीम जीत का सफर आगे रखती है, कौन सी टीम को एक दूसरा झटका लगेगा। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको आज के मैच में जगह मिल सकता है खेलने का, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है रोहित शर्मा, जिन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो ओपन करने आएंगे पूरे सीजन के दौरान। वो कैप्टन है तो वो होंगे, उनका साथ दे रहे होंगे क्वांटन डिकॉक। बेहतरीन तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की थी। पहले मैच में रोहित शर्मा आउट हो गए थे, ओपन करने आए थे, वहां पे कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन आज रोहित शर्मा को पूरी उम्मीद होगी कि अपने बल्ले से कुछ बेहतर करके देंगे। तो ये दोनों खिलाड़ी ओपनर्स का जिम्मा संभालेंगे। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव यहाँ पे बल्लेबाजी करने आएंगे। सूर्य कुमार यादव से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी मुंबई इंडियंस को। पिछला मैच इनका भी उतना अच्छा नहीं रहा था, हालांकि पिछला सीजन इनका बेहद ही शानदार रहा था। ईशान किशन के साथ मिलकर इन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी। तो तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को एक और मौका दिया जाएगा कि बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। बेहतरीन खिलाड़ी है, बस दिन अच्छा ना होने का निर्भर करता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस को देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे युवराज सिंह को मौका दिया जाएगा। युवराज सिंह हमेशा की तरह शानदार हैं। पिछला सीजन युवराज सिंह का बेहद ही खराब रहा था, लेकिन इस सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की। मुंबई इंडियंस के लिए अर्धशतक जमाया, 53 रनों की बेहतरीन पारी खेली। आज भी जहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे बेंगलुरु के एम चिन्ना स्टेडियम, वहां पे छक्के चौके लगाए हैं प्रैक्टिस के दौरान। तो युवराज सिंह शानदार लय में है, इनको मौका मिलेगा चौथे नंबर पे। देखना होगा कि किस तरीके से युवराज सिंह बल्लेबाजी करते हैं। वहीं पांचवें नंबर की बात करें तो किरण पोलार्ड को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, और देखना होगा पोलार्ड किस तरीके से ये जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर्स की भूमिका इन पे होगी, बहुत अधिक दारोमदार होगा कि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करे। वहीं उसके बाद हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ब्रदर्स यहाँ पे उसके बाद छठे और सातवें नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। यहाँ पे दोनों भाइयों की टीम में जगह है। दोनों भाई का प्रदर्शन कहे तो बेहद ही शानदार रहा था। हार्दिक पांड्या जो पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, 0 पर आउट हो गए थे। कुणाल पांड्या ने युवराज सिंह के साथ एक मजबूत साझेदारी की थी। यहाँ पे हार्दिक पांड्या को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि वो यहाँ पे गलत शॉट खेलकर आउट ना हो, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट दे। बहरहाल हार्दिक पांड्या किस तरीके से बल्लेबाजी करते, कुणाल पांड्या जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की थी, 32 या 33 रन बनाए थे वहां पे, आज देखना होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। मैच जिताने की काबिलियत है इस बल्लेबाज में, बस सही तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर ले इस काबिलियत को और मुंबई इंडियंस को मैच जिता दे। वहीं अगर गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को देखें तो यहाँ पे बेन कटिंग और मिशेल मैकग्लेनिकन को यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे शानदार तरीके से ये दोनों गेंदबाज गेंदबाजी की थी पहले मैच में भी। वहीं रशिक सलाम जो अपना पहला ही मैच खेल रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, वहाँ पे 4 ओवर की गेंदबाजी के 40 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगे, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने, उसका वो सबका ध्यान यहाँ पे खींचने में कामयाब रहे। बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ इन्होंने गेंदबाजी की थी। 16 साल के हैं, महज शानदार है तरीके से गेंदबाजी करते हैं। कश्मीर से हैं, घाटी से यहाँ पे कश्मीर की वादियों से आए हैं। देखना होगा कि रशिक सलाम को आज यहाँ पे मौका मिलेगा तो किस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। जसप्रीत बुमराह यहाँ पे शायद ना खेले दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में हमने देखा था आखिरी ओवर डाल रहे थे, 20वां ओवर था, वहां पे आखिरी गेंद फेंक दिया था, यॉर्कर फेंका था शानदार तरीके से। ऋषभ पंत इस यॉर्कर को रोकने में कामयाब हो गए थे, लेकिन रन बचाने के चक्कर में उनके हाथ में चोट लगी थी और चोट की वजह से वहीं पे गिर गए थे, कराहने लगे थे, फिर वो बैटिंग करने भी नहीं आए थे। हालांकि बाद में ये न्यूज आई कि वो पूरी तरीके से फिट है, खेल सकते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे शायद जसप्रीत बुमराह को बाहर रखा जाए। और लसित मलिंगा की वापसी हो रही है, तो यहाँ पे लसित मलिंगा
11वें खिलाड़ी होंगे, बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं, कर सकते हैं वो तो देखना होगा किस तरीके से करते हैं। दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है जसप्रीत बुमराह के लेवल की हम कह सकते हैं, उनसे कम नहीं है यहाँ पे लसित मलिंगा। शानदार खिलाड़ी है, हमने इनकी गेंदबाजी कई सालों से देखी है। मुंबई इंडियंस के लिए इन्होंने कई सारे मैचेस खेले हैं, अपने दम पे यहाँ पे विकेट्स निकाल के दिए हैं। तो लसित मलिंगा को यहाँ पे टीम में वापसी हो चुकी है, तो ये मैच खेलेंगे तो जसप्रीत बुमराह को लसित मलिंगा की होने की वजह से रेस्ट दिया जा सकता है, जो कि जरूरी भी लगता है। बहरहाल ये डिसाइड टीम मैनेजमेंट को करना है कि कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, किसी और गेंदबाज को बैठना पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लगातार अपडेट्स के साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।